नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। कल दुर्लभ कश्यप की बरसी थी, यानी कि 7 सितंबर 2021 को। हम आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हैं कि हम दुर्लभ कश्यप की बरसी के दिन वीडियो नहीं बना पाए जो हम आपको दिखाना चाहते थे। उसके पीछे कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। जो वीडियो हम आपको कल दिखाना चाहते थे वो आज दिखा देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई सभी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक छोटा सा लड़का, दिखने में बेहद ही मासूम था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, पूरे परिवार का लड़ला था। माँ बाप उसे अपने जान से ज़्यादा प्यार करते थे। घर परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक रॉयल परिवार में पैदा हुआ था दुर्लभ कश्यप। लेकिन जब वो 16 साल का हुआ तो न जाने उसे बदमाश बनने का कैसा धुन सवार हो गया, और वो निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जहाँ जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ से आना, वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपको दुर्लभ कश्यप के बारे में एक एक बात बहुत ही गहनता से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन देखिएगा ज़रूर। इस तस्वीर को देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ है, और ये वो तस्वीर है जिसमें दुर्लभ कश्यप अपनी नानी के गोद में बैठा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्लभ लूट और पैसों के लिए तो बदमाश नहीं बना था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, पढ़ाई लिखाई में एकदम वैसा था जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे। किसी भी तरह की कोई भी कमी दुर्लभ कश्यप के अंदर नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जब परिवार के अंदर किसी भी तरह का कोई तनाव हो या कोई समस्या हो, और माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते तो रुपए पैसे किसी काम के नहीं आते। दुर्लभ कश्यप के साथ भी यही हुआ। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के माँ और पिता में थोड़ी सी अनबन चल रही थी, और इसका असर दुर्लभ कश्यप पर पड़ा। वो स्कूलिंग के दौरान दो ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने उसे बदमाशी की दुनिया का कोहिनूर बना दिया। उन दोनों बदमाशों के नाम भी हम आपको बताएंगे जिन्होंने दुर्लभ कश्यप को जुर्म की दुनिया में खींचा। ये बात उस वक्त की है जब दुर्लभ कश्यप 16 साल का था। तब उसने पहली बार एक ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है, और ये वो था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं प्योर बदमाश हूँ, हत्यारा हूँ, किसी भी तरह का विवाद सुलझाने के लिए संपर्क करें, मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। और यहीं से दुर्लभ कश्यप के जीवन में शुरू हुआ वो दौर जो इसे इस रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है और इसका अंजाम क्या होने वाला है, और धीरे धीरे इस पोस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिला। उसकी एक गैंग बन गई और इस गैंग का सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया, लेकिन उसे चला कोई और रहा था। बेशक दुर्लभ कश्यप उस गैंग का सरगना कहा जाता था, लेकिन उस गैंग को कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ कश्यप नाबालिग था और पूरी तरह से बदमाशी की दुनिया में धकेलने का काम किया गुरुचरण और मुकेश नामक दो कुख्यात अपराधियों ने। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, और एक दिन अपने 23 साथियों के साथ दुर्लभ कश्यप गिरफ्तार हुआ। जब उसकी पहली बार गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी तक उसे इस बात का मलाल था कि वो क्या कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये सब नहीं करना चाहता था। क्योंकि जब तत्कालीन SP सचिन अतुलकर उसे उसके साथियों के साथ गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुर्लभ कश्यप की आंखों में वो शर्म, वो हया दिख रही है। उसे महसूस हो रहा था उस वक्त कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो काफी हद तक इस घटना के बाद सुधर भी गया था। लेकिन फिर से जब वो अपने दोस्तों या फिर उन लोगों के बीच में आया जो उसे अपराध करने के नए तौर तरीके सिखा रहे थे, तो फिर से वो बदमाश बन गया। जैसे जब हम कोई पौधा लगाते हैं और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम उसे जिस दिशा की ओर मोड़ते हैं, जिस दिशा की तरफ टेक देते हैं, वो बड़ा होने के बाद उसी दिशा में चला जाता है। तो दुर्लभ कश्यप के साथ भी यही हुआ। उसे जो दो बदमाश मिले थे, उसके जो बदमाश दोस्त थे, वो उसे ऐसे दुनिया में ले गए कि जहाँ से वापस आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। दुर्लभ कश्यप जब दूसरी बार गिरफ्तार हुआ तो वो ऐसा बदमाश बना कि उसे किसी बात की लाज, शर्म, हया तक नहीं रह गई। मतलब जो पहली तस्वीर में आपको डरा हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो निडर हो चुका था। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी वानगी तब देखने को मिलती है जब दूसरी बार वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद वो शान से पुलिस वालों के साथ हाथ में हथकड़ी पहने चलने लगा। उसे इस बात का गुरूर होने लगा था कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, और फिर उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करना शुरू किया कि उसके चर्चे पूरे मध्य प्रदेश में होने लगे। फिर से गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और जेल से वापस आया तो एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी गई।
दुर्लभ कश्यप चाहता था कि उसका नाम हो, ऐसा नाम हो कि पूरी दुनिया में लोग उसे जाने कि दुर्लभ कश्यप कितना बड़ा गैंगस्टर है। और उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद आज दुर्लभ कश्यप के चर्चे हर जगह होते हैं। दुर्लभ कश्यप को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसे जानने का फायदा क्या जिसमें किसी की जान चली जाए या फिर वो काम ही गैरकानूनी हो। दुर्लभ कश्यप बदमाश तो था, लेकिन कहा जाता है कि उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। वो कभी किसी बेकसूर को या फिर किसी लड़की को परेशान नहीं किया करता था। जराइम की दुनिया में बैठे उसके आका, या यूं कहें कि दुर्लभ कश्यप को एक स्कूली बच्चे से गैंगस्टर बनाने वाले लोग जो फरमान जारी करते थे वो उसे पूरा करता था, लेकिन एक दायरे में रहकर। इन सब के बाद भी दुर्लभ कश्यप अपने वसूलों का पक्का कहा जाता था। जैसे मैंने पहले कहा कि कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करना, किसी बेकसूर को नहीं मारना, अपने दोस्तों पर अपनी जान निछावर कर देना, ये सब उसकी आदतों में शुमार था। वो कहा करता था कि दुर्लभ मर जाएगा, लेकिन अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं करेगा। और आखिर में हुआ भी वही, अपने इन्हीं वसूलों के चलते आज दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है। दुर्लभ जिन दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो दोस्त उसे घिरा देख अकेला छोड़कर भाग गए, नहीं तो वो जिंदा होता। कल दुर्लभ कश्यप की पहली बरसी थी, और उसकी पहली बरसी के मौके पर उसके पिता मनोज कश्यप की आंखें भर आईं। वो अपने बच्चे को याद करके बहुत भावुक हो गए। एक यूट्यूबर ने इस दौरान उन्हें फोन करके इंटरव्यू लेने की कोशिश की, जिसके बाद वो भावुक होते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेटा ये कोई समय है, और किसी दिन पूछ लेते। वो भावुक हो गए। आज भी सोशल मीडिया पर कई लोग दुर्लभ कश्यप बनने की राह पर निकलते हैं, दुर्लभ कश्यप की तरह बनने की बात करते हैं। वो लोग इस घटना से कुछ सीख लें, मनोज कश्यप के जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं उनके चेहरे को देखकर, उनकी परिस्थिति को देखकर, उनकी यथास्थिति को देखकर कुछ सीख लें, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है जराइम की दुनिया में। दुर्लभ कश्यप ने क्या किया वो सभी को पता है, पूरे उज्जैन के लोग जानते हैं कि वो कैसा था। फिर भी आज तक कोई चाहे भी तो दुर्लभ कश्यप से कभी अंदर से नफरत कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके चेहरे की मासूमियत सामने निकल कर आती है। और अगर किसी भी नाबालिग को अगर कोई अपराध के रास्ते में ढकेलता है, तो इसमें उस नाबालिग की तो कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उन लोगों की गलती ज़रूर होती है जो उनका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, गलत तरीके से, और एक घर का चिराग बुझवा देते हैं। दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।